हाय एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपेई और आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ट्रांजिस्टर बेस्ड क्वेश्चन जो कि जेई मेंस में पूछे गए थे स्टार्टिंग फ्रॉम द 2018। तो 2018 में जो क्वेश्चन आया था देखिए क्या था। इन अ कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन विथ सुटेबल बायस इट इज़ गिवेन दैट आर एल इज़ द लोड रेजिस्टेंस and RBE is small signal dynamic resistance, it is on the input side. Then voltage gain, current gain and power gain are given respectively by beta ko current gain bolte, IB is base current, C is collector current and E is emitter current and then these four options are given. ठीक है, तो चलिए करते हैं। वैसे तो direct आपको ये formulae याद रहने चाहिए, बहुत ही like theoretical type question है, but let's see कि diagram बना लेते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि क्या बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पर आप देखिए कि लोड रेजिस्टेंस होता है RL जिसको बोलते हैं, जो ये बात बता रहे हैं RL की। ठीक है, ये आपका बेस रीज़न होता है IB और यहाँ पर जो है आपका IC यानी कलेक्टर करेंट होती है और यहाँ से देखिए आपका जो होता है दिस इज आई ई, ये क्या है आई ई, क्लियर है। दिस इज आई बी, दिस इज आर एल, आई सी एंड दिस इज आई ई। तो यहाँ जो वोल्टेज होता है दैट इज वी बी ई या फिर डेल्टा वी इनपुट भी बोल सकते हैं, ये कॉमन है। बेस और एमिटर के बीच में जो है दैट इज वोल्टेज एमिटर और यहाँ पर जो है वी सी सी जो कि फिक्स होता है। ठीक है, और इनके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है स्मॉल सिग्नल डायनेमिक रेजिस्टेंस, दैट इज़ नथिंग बट आर बी ई। तो ये आर एल है, ये आर बी है, ये आई बी है, ये आई सी है, ये आई ई है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो जो आउटपुट पे हमारा लाइक करेंट का चेंज है, बेसिकली चेंज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो दैट इज़ डेल्टा आई सी में आपका चेंज होगा। दिस इज़ आउटपुट बिकॉज आउटपुट आपका यहाँ पर मिलेगा एमिटर और इसके बीच में, तो वी सी ई बोल सकते हैं ये आउटपुट के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ लाइक वी सी ई और जो आपका इनपुट है दिस इज़ नथिंग बट वी बी ई, बेसिकली टेल इसको ऐसे बोल दो डेल्टा है, डेल्टा वी बी। ठीक है, बेस और एमिटर के बीच में जो चेंज आ रहा है एंड दैट इज़ कलेक्टर और एमिटर के बीच में जो चेंज आ रहा है। तो अब देखो अगर करंट गेन जो कि सिंपल दिख रहा है कि करंट जो है आउटपुट और इनपुट में देखो आई बी जा रहा है, तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। ठीक है, ये हमारा करंट गेन होगा। ठीक है, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, सो दिस इज डी पार्ट। तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, डेल्टा आई ई लिखा हुआ है, रॉन्ग गाइज, तो ए चला गया। फिर डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी यहाँ पर भी सही है, बी में भी और डेल्टा आई सी, तो ये दो ऑप्शन देखो आपके यहाँ पर ख़त्म हो गए क्योंकि डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा, इनपुट इज आई बी, आउटपुट इज कलेक्टर करेंट। तो समझ में आ गया इतना। अब देखो अगर हम लोग वो देखें आपका वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन इज़ वॉट, ए वी से डिनोट करते हैं वोल्टेज गेन, दैट इज आउटपुट डेल्टा वी सी ई। ठीक है, और यहां पे देखो इनपुट पे क्या है, डेल्टा वी बी ई। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे लाइक अब सी में कौन सा रेजिस्टेंस है आर एल और करंट गेन कौन सा हुआ यहां पर सर्किट में, डेल्टा आई सी आर एल। यहां पे क्या करंट गेन है गाइस, मतलब करंट क्या है डेल्टा आई बी और इसमें स्मॉल गेन रेजिस्टेंस, स्मॉल सिग्नल डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ आर बी। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया, तो ये है आपका वोल्टेज गेन ए वी। अब ये क्या है, ये बीटा है, तो आई कैन राइट ए वी एज बीटा टाइम्स आर एल अपॉन आर बी, तो है दिया कहीं पर, तो यहाँ तो बीटा स्क्वायर दिया है, ये रहा आपका आर बीटा आर एल बाई आर बी, ये तो चला ही गया।
तो गाइज यही हमारा आंसर हो गया, बीटा आर एल बाई आर बी। चलिए कर ही लेते पावर गेम, बिकॉज दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो वोल्टेज गेन और करेंट गेन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो पावर गेन आता है। सो दिस इज नथिंग बट बीटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बीटा स्क्वायर आर एल बी। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में किस तरीके से इन सारे चीज़ों को लिया जाता है। तो बेसिकली यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस, एंड इट्स लाइक वेरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑल्सो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिमेंबर दिस। इफ यू डोंट रिमेंबर ऑल्सो यू कैन ईजली फाइंड आउट। तो सी, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू गाइस। So now let's do this question. In a common emitter amplifier circuit using an NPN resistor, the phase difference and the output voltage will be, the phase difference at the output voltage will be, ठीक है? तो very simple, like कि you should know that कि जो common emitter अभी बनाया ही था हम लोगों ने circuit, ठीक है, ये NPN है आपका, ये लोड रेजिस्टेंस है आपका, याद है, ये आपका जो है अर्थ कर दिया, दिस इज आई बी, दिस इज आई सी, दिस इज आई ई, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस कि ये आपका नॉट गेट की तरह एक्ट करता है। जब हाई वोल्टेज रहता है तो ये फॉरवर्ड बायस रहता है, जब लो वोल्टेज रहता है तो ये रिवर्स बायस रहता है। तो व्हाट हैपेंस कि जैसा लाइक अगर यहाँ पे सर्किट ऐसे बढ़ रहा होता है तो यहाँ पर ये इस तरीके से उसका अपोजिट हो रहा होता है, इट्स एक्ट लाइक नॉट गेट, उल्टा करता है। जैसे आपने पढ़ा है कि वन का जीरो और जीरो का वन, तो ये याद रखिए। तो गाइज ये 180 डिग्री से जो है इन रिवर्स कर देता है, यानी कि अगर बॉक्स डायग्राम में बना है तो अगर आपका इनपुट ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो आउटपुट आपका नीचे की तरफ एम्पलीफाई तो करेगा ही कि एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगा, लेकिन साथ में इन्वर्ट कर देगा, इन्वर्टर सी एम्पलीफायर, रिमेंबर दिस, एंड दीज आर लाइक सो इजी। आप अगर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेंगे गाइज, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो यू विल नो ऑल दीज थिंग्स। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बिकॉज इनसे जो भी क्वेश्चन आने वाले वो 100% आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि आपको मैं मैक्सिमम चैप्टर्स को करा के आपको एक रास्ता बता रहा हूँ गाइस, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इन सो लेस टाइम, बट एटलीस्ट यू कैन सी, ओ यू कैन गेट द फील। अगर आप डेली लेक्चर्स देखते हैं एंड गिव लाइक 20-25 मिनट्स, सो यू एटलीस्ट नो कि अच्छा इस चैप्टर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एंड आई शुड प्रिपेयर। अगर मेरी प्रिपरेशन है तो ओके, आई एम गुड। अगर लाइक मुझे कुछ नहीं आ रहे छोटी छोटी बातें, तो आई शुड वर्क ऑन दैट, सो दैट कि आपको अच्छे से चीज़ें आ जाएं, ठीक है गाइस। तो लेट्स मूव टू नाउ थर्ड क्वेश्चन एंड लेट्स सी व्हाट वाज आस्क्ड। सो लेट्स गो थ्रू दिस 2016 क्वेश्चन, और एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, एंड क्वेश्चन है कि विच ग्राफ इज करेक्ट बिटवीन रेसिप्रोकल ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस एंड द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज। तो यानी कि VBE बेस और एमिटर के बीच में ये इनपुट वोल्टेज है, और RI अभी मैंने आपको बताया था कि RBE जिसको बोला था, तो वो RI क्या होगा बताइए। V इज इक्वल टू IR होता है, नहीं याद आया अगर आपको, तो V इज इक्वल टू IR, तो R क्या हो जाएगा, V अपॉन E। अब V क्या है यहाँ पर, डेल्टा VB, और कौन सी करंट लेते हैं एज अ इनपुट, डेल्टा IB, जब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये है देखिए गाइस, सो दिस इज व्हाट इज। अब क्या होता है कि वोल्टेज आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, यहाँ देखो जीरो से आप वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि क्या होता है सेमीकंडक्टर्स में, बैरियर वोल्टेज होता है।
तो जो कि यहाँ पर ये देखो 0.6 से जो रिप्रेजेंट किया गया है दैट इज़ बैरियर वोल्टेज, कि अब जब तक बैरियर वोल्टेज रहेगा तब तक व्हाट विल हैपन कि एक फिक्स जो है आपका रेजिस्टेंस रहने वाला, और जो भी बैरियर वोल्टेज की वजह से बैरियर रेजिस्टेंस आएगा वो फिक्स रहने वाला है, 0.6 तक फिक्स रहेगा। और जैसे ही लाइक बैरियर वोल्टेज ख़त्म होगा तो एक्टिव रीजन में आप चले जाएंगे, तो रेजिस्टेंस आपका कम होने लगता है एंड करंट जो है वो तेज़ी से फ्लो कर दी, तभी तो एम्पलीफाई होता है सिग्नल। ठीक है, तो क्लियर है बात। तो यानी कि मुझे ऐसा ग्राफ देखना चाहिए जहाँ पे 0.6 तक कांस्टेंट रहे और उसके बाद रेजिस्टेंस कम हो जाए। तो अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो 1/RI बढ़ जाएगा बड़ी तेज़ी से। तो देखो तो ये तो कांस्टेंट नहीं लग रहा है यहाँ पर, ये तो डाउन जा रहा है, तो दिस ग्राफ इज़ नॉट करेक्ट। ये भी कांस्टेंट नहीं लग रहा है, बढ़ रहा है, दिस इज़ गॉन। ये देखो ये तो पूरा डांस है, यहाँ पर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, दिस इज़ वॉट इज़ इट। 0.6 तक फिक्स है एंड देन इट शूट्स अप वंस वी गो इनटू द एक्टिव रीजन। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब गाइज इसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, डायरेक्ट ग्राफ तो नहीं मिलेगा नॉर्मली इन NCERT और कई बुक्स में आपको नहीं मिलने वाला है, तो यू हैव टू जस्ट थिंक। ये जो थिंकिंग एबिलिटी के ऊपर आपका क्वेश्चन है कि अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो कैन यू अप्लाई इट इन द ग्राफ और नॉट। ठीक है, तो विल बी मूविंग टूवर्ड्स नाउ फोर्थ प्रॉब्लम। सो नाउ लेट्स गो थ्रू दिस 2014 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है, इन एन अनबायस्ड NP जंक्शन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम N रीजन टू P रीजन, होल्स इन P रीजन अट्रैक्ट देम, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड C इज ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम N टू P एंड नॉट वाइस वर्सा, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज मोर इन N रीजन कंपेयर टू P रीजन। तो गाइस जहाँ पर भी आप डिफ्यूजन पढ़ते हैं तो डिफ्यूजन इज मेनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। इस आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो डिफ्यूजन होता है दैट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे वर्ड डिफ्यूजन लिखा हुआ है आपके सामने, तो बेसिकली अगर आप डिफ्यूजन ही जानते हैं तो यू विल बी एबल टू टेल कि हाँ N वाला N क्यों है, न्यू, क्योंकि नेगेटिव रीजन ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, P का मतलब पॉजिटिव रीजन, वहाँ पे ऑब्वियसली होल्स आर मोर कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तभी वो P रीजन है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो जो आपका डिफ्यूज़न हो रहा है वो कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से हो रहा है, एंड दैट इज़ व्हाई दिस डी ऑप्शन इज करेक्ट एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2014। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, वेरी इजी गाइस। अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई कर लें, ढंग से बस केवल याद कर लें कि हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, यू कैन ईजली डू ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू नाउ क्वेश्चन नंबर 14। सो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन दैट इज़ फ्रॉम 2014 JEE मेंस। इसके पहले वाला 2015 में आया था गाइज। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, फॉर LEDs टू एमिट लाइट इन विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट इट शुड हैव एनर्जी बैंड गैप इन द रीजन ऑफ, अब दिस इज नथिंग गाइज, ये बैंड गैप क्या है कि कितनी एनर्जी मिले सो दैट कि ये जो है हमारा बैंड यानी कि कंडक्टर, जैसे वैलेंस शेल है और ये कंडक्शन बैंड है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ बैंड गैप, तो उसको ओवरकम करके इधर पहुंच जाए। तो वो जो होना चाहिए, आप जानते कि 4000 एंगस्ट्रॉम्स टू 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास, मतलब इसी रीजन में हमारा विजिबल रीजन होता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एनर्जी को अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 1, 2, 3, 4, 1, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय लेमडा, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय लेमडा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एंड नॉर्मल जूल में जो होता है फॉर्मूला इज इक्वल टू SC बाई लेमडा, इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना हो तो E से डिवाइड कर दो,
तो एस सी बाई ई की जो वैल्यू है दैट इज़ 12431। तो अब हम इसमें से लाइक 4000 से 7000 के बीच में कुछ ले लें, तो ईजियर वन अगर मैं लूँ तो 5000 ले लेता हूँ। तो 12431 अपॉन 5000 एंगस्ट्रॉम, ये अगर मैं ले लेता हूँ तो आई विल चेक कि भाई ये एनर्जी का रीज़न कहाँ जा रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज़ लाइक 2486 एंड दिस इज़ आपका 1000। सो बेसिकली दिस इज़ 2.486 यानी कि 2.5। तो ये तो मैंने एक बीच की वैल्यू ली है, तो ये अब इन किसी भी गैप के बीच में आना चाहिए। तो 0.1 नो, 0.5 टू 0.8 ना, 0.9 टू 1.6 नहीं, 1.7 टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें ये आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड क्वेश्चन से ज़्यादा आपको एक पैटर्न समझ में आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स पूछे जा रहे हैं गाइज। तो अगर आप चाहते हैं कि और भी गाइज वीडियो इसी लाइक सीरीज़ में मिलते रहें आपको, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो डू शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स सो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड कमेंट करना मत भूले। बाय बाय।